और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की करीबी मुंडी पासी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंडी पासी पर एक आदमी के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। ये मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट और धमकी देने के मामले में FIR दर्ज हुई है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुंडी पासी का नाम इससे पहले भी इस पूरे केस में हमने कई बार सुना, बयान भी सामने आए, क्या नया ये मामला? देखिए, ICC की धारा 323 और 506 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और वो भी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल रजत बहादुर नाम के एक शख्स ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। रजत बहादुर ने अपनी तहरीर में कहा है कि पेट्रोल पंप पर उसे मुंडी पासी ने बकायदे पिटाई और जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल रजत बहादुर का गाड़ी से पैर छू गया था मुंडी पासी का, जिस पर मुंडी पासी नाराज हो गई थी और उसके बाद उसने जान से मारने की धमकी और पिटाई की बात कही, जिसके बाद रजत बहादुर सीधे धूमनगंज थाने गए, वहां पर जाकर मुंडी पासी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और इसके बाद ICC की धारा 323 और 506 के तहत FIR दर्ज हुई है। जाहिर तौर पर इस पर धूमनगंज पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच मणिपुर में मची हिंसा के दौरान सुरक्षा बल के जवानों से लूटे गए हथियारों की खेप बरामद कर ली गई है। वहां हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा बल के जवानों की बंदूकें और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया था। यह अपील की गई थी कि जिनके पास हथियार है वो हथियार सभी लोग सरेंडर कर दें, जिसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से बरामद कर लिया गया। वहां कुछ दिन पहले सेना और पुलिस ने लोगों से चुराए गए हथियार सरेंडर करने की अपील की थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। यह अपील की थी कि जिनके पास हथियार हैं वो हथियार सभी लोग सरेंडर करें। आरोप है कि मणिपुर में हुई हिंसा के वक्त पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों से ये हथियार लूट लिए गए थे, जिनमें कई बंदूकें, मोर्टार और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल था, जिन्हें सेना और पुलिस ने बरामद कर लिया। और राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घायल को फौरन मदद मुहैया कराई, जिससे उसकी जान बच गई। बताया ये गया कि जब कोटा से उनका काफिला गुजर रहा था तो उनकी नजर सड़क पर गिरे एक मोटरसाइकिल सवार पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने अपना काफिला रुकवा कर फौरन उसके लिए एम्बुलेंस बुलवाई। इस दौरान वो घायल से बात भी करते दिखे। जानकारी के मुताबिक उसकी मोटरसाइकिल फिसलने से उसके सिर में चोट आई थी, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवा दिया गया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने वहाँ मौजूद डॉक्टरों से भी बातचीत की और उनसे जल्द से जल्द उस घायल लड़के का इलाज करने की अपील भी की। झारखंड के धनबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार एक मिनी ट्रक के नीचे आ गया और जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक ट्रक सड़क के अंदर की तरफ मुड़ता नजर आया, तभी दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला पूरी रफ्तार से आकर उससे भिड़ा और सीधा ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गया, जिसके बाद ट्रक वाले ने ट्रक को पीछे लिया और फिर वहां से तेजी से फरार हो गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने फौरन उस आदमी को उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी लगते ही उसके घर वाले भी पहुंच गए, जिन्हें जैसे ही मौत की खबर मिली उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया।